टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच में 27 जुलाई को खेला जाएगा तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टीम इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, साथ में आपको बताएंगे कि टीम इंडिया में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टीम इंडिया इस समय वेस्टइंडीज के दौरे पर है, जहां पर 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है। आपको बता दें, सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा, जो कि 27 जुलाई को शाम 7 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया की बात करें तो शुरुआती 2 वनडे मुकाबलों में टीम इंडिया ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले को टीम इंडिया अपने नाम करती है तो सीरीज भी अपने नाम कर लेगी। अगर हम इंडियन टीम में बदलाव की बात करें तो टीम में हमें 2 बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रविंद्र जडेजा शुरुआती 2 मुकाबलों में चोटिल होने की वजह से नहीं खेले थे, लेकिन वो तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में वापसी करने को तैयार है। रविंद्र जडेजा अक्षर पटेल की जगह प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। टीम में एक और बदलाव होगा, तेज गेंदबाज आबिश खान की जगह अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। अर्शदीप सिंह ने हाल ही में T20 क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, वनडे क्रिकेट में भी वो एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए अगर हम टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को देखें तो शिखर धवन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, दीपक हुड्डा, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है। आपके हिसाब से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।